नमस्कार, आज हम लोग एक नया टॉपिक का समझौता लेंगे। ये टॉपिक है प्रकाशिकी का उपयोग करते हुए गैर संपर्क विधि के माध्यम से नापन, मेजरमेंट थ्रू नॉन कॉन्टैक्ट मेथड यूजिंग द ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाशिकी मीन्स ऑप्टिक का उपयोग करके हम लोग नापन कैसे करते हैं जानकारी लेंगे। ये एक टीम वर्क है। इसमें हमारे साथी डॉक्टर एस राजा, मैं शिव सुब्बा राव, द्वारकनाथन एंड नागराजू शामिल है। इस प्रस्तुति में हम लोग क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं। पहले CSIR-NAL के बारे में कुछ जानकारी, उसके बाद विस्थापन मापन कैसे किया जाता है नॉर्मल मेथड में, और तनाव मापन स्ट्रेन मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद गैर संपर्क माध्यम से हम लोग तनाव और विस्थापन कैसे नाप करते हैं जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जो DIC गैर संपर्क माध्यम, उसका प्रिंसिपल एंड क्या क्या एप्लीकेशंस हम लोग किए हैं और बाकी जगह पे क्या क्या एप्लीकेशंस हुए हैं, उसके बाद निष्कर्ष करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। CSIR-NAL बैंगलोर मुख्य क्षमता क्या है? ये तीन भाग में है। एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी रक्षा मंत्रालय के बारे में काम करते हैं। उसके बाद नागरिक विमान MAV छोटे विमान में काम करते हैं, और सोसाइटल मिशन जो सोसाइटी को यूज होते हैं उसके बारे में भी NAL काम करता है। CSIR-NAL का सहयोग और बातचीत किस किस विभाग से है? भारत में इसका सहयोग HAL, ISRO, DRDO, IASC, ADA और प्रमुख संस्थानों से है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय में बेल, एयरबस, पैटर्न विटली, बोइंग इत्यादि विभाग से हम लोग काम कर चुके हैं और करते रहेंगे। हम अभी अपना टॉपिक में आ जाएंगे। विस्थापन नापन ये एक प्राथमिक बिंदु और प्राथमिक स्थान से अंत स्थान तक बीच का दूरी को विस्थापन नापन कहते हैं। ये दो मेथड से किया जाता है, एक संपर्क और गैर संपर्क। संपर्क तरीके पोटेंशियोमीटर, पोजीशन ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल ट्रांसफार्मर, फ्यूजो सेंसर का उपयोग करके हम लोग नापन वगैरह करते हैं कि ये नापन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर ऐसे यूनिट से नापा जाता है। गैर संपर्क तरीके, इसमें लेजर सेंसर, अल्ट्रासाउंड सेंसर, कैपेसिटिव बेस सेंसर, इंडक्टिव बेस सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग लेजर सेंसर के बारे में जानकारी ले लेंगे। इसमें एक सिग्नल होता है जहां जाके जितना डिस्टेंस मेजर करना है उससे जो रिफ्लेक्टेड वेव मेजर करके उसका विस्थापन नापन किया जाता है। और एक है अल्ट्रासाउंड। ये लेजर के बदले अल्ट्रासाउंड सिग्नल वेव ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होके जो वेव आएगा, जो रिसीव हो जाएगा, उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए टाइम ट्रैवल मीन्स कितना टाइम समय लिया है वो रिफ्लेक्शन आने के लिए कुछ फार्मूला यूज करके हम लोग विस्थापन मेजरमेंट करते हैं। और दो प्रिंसिपल है, एक कैपेसिटिव, दूसरा इंडक्टिव सेंसर यूज करते हैं। ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि एक सेंसर प्लेट होता है और टारगेट प्लेट होता है। बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल करके उसका डिस्टेंस यानी विस्थापन मेजर करते हैं। सेम तरीके से हम लोग इंडक्टिव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूज करके उसका नापन किया जाता है। ये सब गैर संपर्क तरीके हैं। इसके एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी, कॉस्ट वगैरह अलग अलग होते हैं। आप कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये गैर संपर्क तरीके यूज कर सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो ज्यादा डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते, एक्यूरेसी भी थोड़ा कम होता है। तनाव मापन, स्ट्रेन मेजरमेंट। स्ट्रेन मेजरमेंट भी एक डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट ही है, ये एक रेशियो है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स विस्थापन जैसा हुआ है उसके ऊपर कुछ फोर्स यानी लोड अप्लाई करने के बाद वो मटेरियल में, स्ट्रक्चर में जहाँ भी कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा टू वर्जिनल मीन्स जो शुरुआत में जो डिस्प्लेसमेंट था उसका डिफरेंस का रेशियो मिलाने से जो वैल्यू या आएगी, नंबर आएगी, उसको स्ट्रेन कहा जाता है। ये स्ट्रेन दो तरह के होता है, एक है पॉजिटिव मीन्स टेंसाइल, दूसरा है नेगेटिव मीन्स कंप्रेसिव। जो प्रेस किया जाता है उसको कंप्रेसिव बोलते हैं, जो पुल किया जाता है उसको टेंसाइल कहा जाता है। इसका मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम विस्तार से आप पता करेंगे। इसमें भी संपर्क तरीके नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स गैर संपर्क तरीके भी है। इसमें मेन पार्ट होता है एक स्ट्रेन गेज जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रेन गेज रेसिस्टेंस के माध्यम से जो स्ट्रेन मीन्स तनाव नाप करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये क्वार्टर ब्रिज मीन्स एक व्हीटस्टोन ब्रिज का चार आर्म से एक ही आर्म स्ट्रेन गेज लगा हुआ है। उसके बाद ये ब्रिज मीन्स स्ट्रेन गेज ब्रिज मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में इसको बैलेंस करने के बाद जो लोड अप्लाई किया जाता है स्ट्रेन गेज के ऊपर, ब्रिज अनबैलेंस बन जाती है। वो जो अनबैलेंस हम लोग कुछ फार्मूला इस्तेमाल करके स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं। जहां जहां हम लोग ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यूज नहीं कर पाते वहां स्ट्रेन गेज ही हम चार यूज करते हैं। इसको फुल वेव ब्रिज कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पावर देना पड़ता है, उसके बाद मेजरमेंट जो बैलेंस्ड करंट मेजर करना पड़ता है। इसलिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगती है जहां ये स्ट्रेन रिकॉर्डिंग किया जाता है। ये थोड़ा विस्तार से ये जो स्ट्रेन गेज है हम लोग स्ट्रक्चर यानी जहां आपको स्ट्रेन मेजर करना है उसके ऊपर ऐसा लगाया जाता है। ये फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसको वोल्टेज देने के बाद वो जो ब्रिज अनबैलेंस होता है मैं पहले बताया आपको, जो अनबैलेंस्ड करंट को इक्विवेलेंट्स में एक फार्मूला इस्तेमाल करके स्ट्रेन में कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेन ऐसा एक चीज है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। सामान्य तरफ से एक्स वाई को ही हम लोग मेजर करते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रेन गेज लगाया जाता है ये प्लेनार एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में ही होता है। हम लोग अभी आएंगे नॉन कॉन्टैक्ट बेस ऑप्टिकल मेजरमेंट मींस प्रकाशीय नापन, छवि आधारित, ठीक है। तो हम उसका पूरा जानकारी दे देंगे अगले स्लाइड में। डिजिटल छवि सहसंबंध प्रणाली, डिजिटल इमेज कोरिलेशन सिस्टम, ये गैर संपर्क छवि माध्यम से नापन किया जाता है। ये एक फुल फील्ड मेजरमेंट यानी संपूर्ण क्षेत्र का नापन प्रणाली है। इसमें एक कैमरा और दो कैमरा उपयोग के अनुसार एंड कुछ पैटर्न मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। जो हम लोगों को स्ट्रेन मेजर करना है वो स्पेसिमन, इधर स्पेसिमन लगा हुआ है, उसके बाद जो कैमरा के सिग्नल आए हुए हैं वो कंप्यूटर में स्टोरेज करना है। कुछ अलगोरिथम यूज करके उसका हम लोग स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट यानी व्यवस्थापन एंड एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशनीय तकनीकी के लाभ क्या होते हैं? ये नॉन कॉन्टैक्ट गैर संपर्क जिससे नाप करते हैं और सेंसर के बीच में कोई यांत्रिक संपर्क नहीं होती मीन्स इट इज नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। हम लोगों को कई सेंसर लगाना नहीं पड़ता है। ये कैमरा रहा, उसके बाद उसको पिक्चर निकाला, उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन मेजर कर सकते हैं। ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में फुल फील्ड मेजरमेंट मीन्स सारा क्षेत्र का आप लोग जानकारी पता कर सकते हैं। देखिए इधर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। ये एक प्रोटोटाइप है जिसका आपको फुल फील्ड स्ट्रेन मेजर करना है। इसको FEM फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से जो जानकारी मिली है उसका स्ट्रेन कैसे होता है ये कंप्यूटर में मेजर किया गया है। हम लोग DIC यूज करके सिमिलर पैटर्न मीन्स सही के सही हम लोग मेजर करते हैं। इस स्लाइड में आप क्लिप से देख सकते हैं। डिजिटल छवि सहसंबंध का मूल विचार हम लोग जानकारी ले लेंगे। मैं पहले बताया इसमें एक कैमरा की जरूरत होती है, उसके बाद कैमरा से जो पिक्चर आया है उसको स्टोर मीन्स स्टोर करने के लिए डेटा एक्विजिशन कार्ड लगता है और जो इमेज लिया हुआ है उसको कुछ एल्गोरिथम यूज करके कंप्यूटर में नापन किया जाता है। आप देखिए जो नमूना है जिसका आपको स्ट्रेन मेजर करना है या विस्थापन मेजर करना है उसके ऊपर कुछ पैटर्न लगाना पड़ता है। मैं पहले ही बताया पैटर्न के बारे में स्पिकल पैटर्न बोलते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आने वाले स्लाइड्स में बता दूं। इस स्लाइड में विस्थापन नापन का मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल बता दूं। ये जो स्पेसिमेन है जिसके ऊपर एक पैटर्न लगा हुआ है, हम जैसे लोड अप्लाई करेंगे ये जो डिफॉर्म होके ऊपर नीचे हो सकता है। अभी एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट को कंसंट्रेट कर लीजिए। जब लोड अप्लाई किया जाएगा ये जो पॉइंट है कैसे डिफॉर्म होता है इसका 2 इमेजेस स्पेसिमेन के ऊपर से हम लोग डिफॉर्मेशन मेजर करते हैं। देखिए ये टाइम t के समय में ये जो पॉइंट इधर था, जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई करते रहेंगे जो पॉइंट एक जगह पे दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा t डैश पे और t डबल डैश पे ये और एक जगह पे मिक्स हो जाएगा। ये तीनों चित्र 1, 2, 3 चित्र ये रेफरेंस मानते हुए ये जो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है और ज्यादा लोड अप्लाई करने के बाद और कितना डिस्प्लेस हुआ है इस ये जो पता करके ट्रैकिंग करके हम लोग छवि सहसंबंधिक टेक्निक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन मेजर करते हैं। ये DAC में मैंने एक बताया कि स्पेकल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पेकल मीन्स एक छोटे छोटे डॉट्स के हिसाब से ही ये जो कैमरा के चित्र हम लोग निकालते हैं, जो अलगर्दम बता रहा था वो वही पॉइंट को मेजर करके डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन का नापन होता है। अभी हम लोग कौन सा ही एक स्पेसिमेन लेके उसके ऊपर मार्कर पेन से एयर ब्रश से या रोलर से स्टैम्प से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसे स्पेकल पैटर्न किया जाता है। ये चित्र में एयर ब्रश यूज करके हम लोग स्पेकल पैटर्न करते हैं। एल्गोरिथम को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, इसके लिए हम लोगों को एक कैलिब्रेशन तरीका एल्गोरिथम को रेफरेंस पॉइंट जैसा देना पड़ता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड पिक्चर यानी नोन डिस्टेंस जिसमें हम लोगों को एक डॉट एक चिन्ह एक बिंदु दूसरा बिंदु का पता हुआ डिस्टेंस वाला पैटर्न लेके कैमरा से पिक्चर्स लिए जाते हैं इन डिफरेंट यानी हर एक एंगल चेंज करते हुए कुछ पिक्चर्स निकाल के एल्गोरिथम को रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन फॉर द सॉफ्टवेयर। मैं अभी डीआईसी के सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण के तरह से 9x9 मीन्स 9x9 पिक्चर का पिक्चर चित्र ऐसा ले लेंगे और जैसा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे उसका मैथमेटिकल मॉडल एल्गोरिथम कैसा समझौता करता है कुछ जानकारी ले लेंगे। अभी इसमें देखिए कुछ पिक्सल को हमने सफेद किया है, बाकी इसको काला रखा हुआ है। हम ये 9x9 पिक्सल इमेज को डिजिटल में जब कन्वर्ट करेंगे सफेद वाले को ले लेंगे 100 गुण और पूरा काले वाले को दे देंगे 0 नंबर। अभी ये हो गया डिजिटल इमेज जैसा कंप्यूटर मेमोरी में रहेगा। 9x9 पिक्सल इमेज को एक्सपेरिमेंट में लेते हुए एक पिक्सल उसको दाईं तरफ मूव किया जाता है, तब डिजिटल इमेज में भी ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स व्हाइट पिक्सल 4 हो गए, इधर 3 के बदले 2 हो गए, इधर सेम डिजिटल इमेज जो 100 का आंकड़ा था ये 2 हो गए और सफेद वाला 4 हो गए। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द पिक्चर्स। हम लोग एक सबसेट बनाने के लिए मीन्स इसको एक मैट्रिक्स में लेने के लिए एक जीरो को हम लोग एक जीरो को रेफरेंस मानते हुए टेस्ट कैसे किया जाता है जानकारी ले लेंगे। तो हम लोग लेते हैं 5x5 सबसेट। देखिए ये जो पैटर्न है 5x5 सबसेट है। जैसा स्पेसिमन लोड हो जाएगा ये जो सबसेट 5 नंबर का अलग मूवमेंट मिल जाएगी। यानी हम लोग जब कंप्यूटर कैमरा से पिक्चर लेते हैं ये जो रेफरेंस 5x5 था ये वाला जब लोड अप्लाई करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर इसका मूवमेंट इधर हो जाता है। मीन्स ये जो इनिशियल पॉइंट है मीन्स शुरुआत का बिंदु है, डिफॉर्मेशन यानी लोड के हिसाब से उसका जगह चेंज हो गया। मीन्स यानी ये इनिशियल बिंदु लोड अप्लाई करने से इधर मूवमेंट हुआ, उसके बाद और लोड अप्लाई करने से और ऊपर चला गया। ये तीनों चित्र कंप्यूटर में एल्गोरिथम के हिसाब से विथ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसका विस्थापन मेजर करने के लिए उपयोग होते हैं। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण लेके ये डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कैसे मापा जाता है, सबसेट कैसे बनाया जाता है, पिक्चर्स एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर कैसे मेजर किया जाते हैं विस्तार से बताऊंगा। ये देखिए एक स्पेसिमेन बिफोर अप्लाइंग लोड इसका स्थिति ऐसा गोल था। जो लोड और एक्सपेरिमेंट जब स्पेसिमेन आ गया ये जो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है आपका ये जो पॉइंट इधर तक चला गया, इनमें सबसेट चेंज हो गया। इस तरह से आप लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ये जो पॉइंट जब लोड अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट में स्पेसिमेन रहेगा उसका डिस्टेंस डिफॉर्म होके दूसरे जगह पे पहुंच जाएगा। सही है कि नहीं? मीन्स जैसे जैसे आप लोग लोड अप्लाई करते रहेंगे एक डायरेक्शन में जो पिक्सल शुरुआत में रेफरेंस में था उसका डिस्प्लेस होते होते इधर तक आ जाएगा। यानी आप लोग ABCD पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो लोडेड पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट बिफोर लोडिंग रेफरेंस पॉइंट पकड़ लीजिए। उसके बाद ये जो S1 है एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन चेंज होते आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये नॉन डिफॉर्म्ड पैटर्न हम लोग बनाए थे, स्पेकल पैटर्न, जो लोड अप्लाई करने के बाद ये चेंजेस आपको पता होते रहेंगे, जो चेंजेस हम लोग एल्गोरिथम से पता करके आपको विस्थापन या तनाव का मापन करने के लिए उपयोग होते हैं। अभी संक्षिप्त में डीआईसी छवि गैर संपर्क छवि उपयोग करके हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 4 स्टेप में मैं जानकारी दूं। पहले होता है जहां आपको नापन करना पड़ता है, उधर एक स्पेकल बनाना पड़ता है। उसके बाद नोन पता हुआ डिस्टेंस बिंदु का नापन पट्टी से लेके कैलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद लोड यानी हम लोग जहां एप्लीकेशन करते हैं वो अप्लाई, जो लोड अप्लाई करते समय आपको पिक्चर रिकॉर्डिंग करना है, जो पिक्चर रिकॉर्डेड हुए हैं उसका कंप्यूटर में एल्गोरिथम इस्तेमाल करके विस्थापन, डिफॉर्मेशन या तनाव का मेजरमेंट होता है। ये रियलिस्टिक में एक वीडियो देखिए, जो लोड इधर अप्लाई कर दिया, फिर उसके हिसाब से हमारा एल्गोरिथम डीआईसी नॉन कॉन्टैक्ट में पिक्चर लेके उसका छवि और डिफॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग उदाहरण के तरह से इधर ये स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। साथियों, अभी तक आप लोगों ने विस्थापन मापन, तनाव मापन, संपर्क और गैर संपर्क इस्तेमाल करके कैसे मेजरमेंट किया जाता है और डीआईसी प्रकाशित आधारित गैर संपर्क मेजरमेंट के बारे में उसका मूल सिद्धांत जानकारी किए हैं। अभी मेरे साथी मिस्टर द्वारकनाथन आपको विस्तार से बताएंगे कि ये डीआईसी विभिन्न क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल किया गया है और एनएएल ने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं और बाकी जगह पे डीआईसी का इस्तेमाल कैसे उपयोग हुआ है, पूरा जानकारी द्वारकनाथन से सुनिए। धन्यवाद। डॉक्टर शिव सुब्बा राव। सजादत आप देखा है, हमने सुना है, ये नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट बिना टच करने के, बिना छूने से कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ये डेटा लेते हैं। इसमें क्या है, एक 2D जो 2D डीआईसी सिस्टम है उसमें बहुत है प्रणाली, 2D डीआईसी प्रणाली, जिसमें क्या है ना, छवि लेते हैं, छवि के साथ एक कैमरा के साथ, उसमें वो बोलते हैं वो 2D एक ही इमेज को देखते हैं। जो जैसे हमारा आंख है उसी के तरह जब हम एक आंख को बंद करके एक आंख से देखते हैं, वैसे ही इसको सोचना है, वैसे ही है। उसके हिसाब से जो मेजरमेंट लेते हैं उसके साथ एक कंप्यूटर को इंटरफेस किया हुआ है। उस कंप्यूटर के साथ आप एक छवि लेके कैमरा के साथ, उसके बाद आप जो रिजल्ट्स लेते हैं तो उसको और देख सकते हो। और उसमें क्या है ना, कंटूर छवि निर्देशक XY दो जगह X और Y और विस्थापन UV जो भी है डायरेक्शन में मूवमेंट्स देख सकते हो। ये कैसे होता है कि जब पिक्सल्स बदलता है, जब लोड अप्लाई करने के बाद दबाव छवि वो स्पेसिमेंट के ऊपर डालने के बाद वो क्या होता है, दो दिशा में मूव होता है और उसके बाद जो पिक्सल चेंज है उसे लेते हैं। उसी के हिसाब से उभेद भी आता है और प्रमुख उभेदों की भी की दिशा होता उसमें वो भी आता है। 2D डीआईसी के बारे में सुना है। ये 3D डीआईसी का प्रणाली कैसे होता है कि जब हमारा दो आंखों को खोलते हैं और एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसी के हिसाब वो दो कैमरा, एक कैमरा के साथ वो बोलता है 2D डीआईसी, तो एक और दो कैमरा के साथ वो बोलते हैं स्टीरियो विजन। स्टीरियो जैसा जैसा आप ऑडियो सिस्टम में होता है, जैसे दो कैमरा के साथ आप जब देखते हो वो स्टीरियो विजन बोलते हैं। सो एक चीज को देखते हैं, उसके हिसाब से वही भी कंप्यूटर को इंटरफेस करते हुए वो देखते हैं। और कंटूर निर्देशक XYZ दोनों जेड तीन डायरेक्शंस में और डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं और उभेदों भी देख सकते हो। इसे ये 3D DIC है। यहाँ एक टेस्टिंग प्रोसीजर आप देखने वाले हैं। लेपित वस्त्र हेतु DIC परीक्षण और विश्लेषण प्रक्रिया, जिसमें आप जो भी प्रोसेस है दोहरा पूरा से देख सकते हो। इसे एक स्पेसिमन को लेते हैं के बाद सेटअप जो कैमरा के साथ सेटअप और छवि भी लेते हैं और कैसे इसको लेते हैं और उसके बाद इसका एनालिसिस कर सकते हैं के बाद रिजल्ट। तो दो सेटअप है। सब छवियों जो आप देख रहे हो ये प्रोसीजर है, कैलिब्रेशन सेटअप, कैमरा सेटअप, कैलिब्रेशन और छवि का एनालिसिस। तो छवि एनालिसिस देखते हैं के हिसाब से ये 2D DIC है। दो डायरेक्शन में नहीं है मगर ये 2D डायरेक्शन में है। इसमें से आप देख सकते हो जहां आपने टेस्टिंग को देखा है। सिर्फ टेस्टिंग के साथ हमारा के जो विशेष है कि हम जैसे भी करते हैं काम टेक्निकल से, इससे कंप्यूटर में सिमुलेशन को भी हम इसके हिसाब से कंपेयर करना चाहिए। जो कंप्यूटर में जो करवा दे उसके बाद टेस्ट एनालिसिस कोरिलेशन होते हैं, जो देखना है, कंपेयर करना है, तो दोनों को रिजल्ट लेके चेक करना है। ये कंप्यूटर में भी ऐसे सिमुलेशन होता है और दूसरी तरह से होता है। ये दोनों कंपेयर करके हम जब हम देखते हैं, हिसाब करते हैं, उसके बाद हम देख सकते हो ये कैसे करते हैं। जो क्या है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो लिया हुआ है उसको कंप्यूटर के फीड करते हैं और उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं और उसके डेटा के साथ ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश हुआ है। उसी लिए ये फ्लोर चार्ट आपको दिखा हुआ है। ये कंप्यूटर के सिमुलेशन के जो करते हैं वो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। वो इसी के हिसाब से आपको दे सकते हैं प्रोसीजर कैसे क्या हुआ है। यह एक दूसरा उदाहरण है कि 3D DIC पे जैसे हमने बोला कि स्टीरियो विजन कैमरा यूज करते हैं, दो कैमरा यूज करते हैं, उसके साथ हिसाब से ये रिजल्ट्स निकला हुआ है। इसमें क्या है ना, अडेप्टर पर 3D DIC का आधारित स्टैटिक परीक्षण किया हुआ है। इसमें से आप देख सकते हो ये स्ट्रेन्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो दिखाता है। इसमें क्या आप जो देख रहे हैं कंटोर्स देखते हैं, जो उसको आपको देख सकते हो। या आप देख सकते हो दूसरा एक और उदाहरण परीक्षण है, जिसमें आपने सूक्ष्म वायु वाहन जैसे MAV बोलते हैं उसके ऊपर हमने परीक्षण किया है। उसके हिसाब से आप एक देख सकते हो ये विकृत पंख और गैर विकृत पंख देख सकते हो, जिसमें और जैसे बोलते हैं अनडिफॉर्म्ड विंग है और दूसरा विकृत पंख वॉश आउट शेप बोलते हैं, जो आप देख सकते हो। इसके हिसाब से जब हमने टेस्टिंग किया है, इसके हिसाब से क्या एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के हिसाब से इसको डिफॉर्म किया है। उसके हिसाब से डिफॉर्म करने के होने के बाद आप जो शेप चेंज देख सकते हो वो आपको यहाँ दो छवि में देखते हैं और उसका आउटपुट जो है उसमें आपको दे विरूपण कंटूर आप देख सकते हो, तनाव कंटूर भी देख सकते हो। इसके हिसाब ये दूसरा आपका और एक उदाहरण है जिसके एप्लीकेशंस कई हैं, ज्यादा हैं, आप देख सकते हो। और थोड़े और उदाहरण भी आप देख सकते हो। इसके हिसाब से हम देख सकते हो ये कैसे ये एप्लीकेशंस ज्यादा से ज्यादा ये कैमरा के साथ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप कर सकते हैं। पिछले आप लोगों ने टेस्टिंग में ग्राउंड टेस्टिंग में MAV का टेस्टिंग देखा हुआ है। अभी तो क्या ना, कम गति वाली की पवन सुरंग में आपने जो टेस्टिंग देख रहे हैं, उसमें क्या है ना, अंदर जो टनल विंड टनल बोलते हैं उसके अंदर स्पेसिमेन लगा हुआ है, ये MAV लगा हुआ है और बाहर से ग्लास विंडो से हम दो कैमरा ऊपर डाले हुए हैं। उसके हिसाब से हम वो कैमरा वो MAV को देख रहा है और उसके हिसाब से हम रोशनी भी लाइट भी डाला है जो उसके हिसाब से हम देख सकते हुए स्पेसिमेन जब हवा निकलता है वो पवन सुरंग से, तो आप उसके ऊपर जब हवा उसके ऊपर आना है उसका डिफॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, छवि लेते हैं और स्टोर करते हैं। उसके हिसाब से ये और ये उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है जो लिया हुआ है इसका एप्लीकेशन का। आप देख सकते हो हमने कई उदाहरण जो हमने किया है। तो बहुत सारे दूसरे लोगों भी DIC को इस्तेमाल करके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। अब हम वही को दिखाएंगे आपके लिए कैसे ये एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे कार पे टायर पे ऊपर ये जो डिफॉर्मेशन लिया हुआ है, आप देख सकते हो कि पूरा टायर पे संपूर्ण क्षेत्र विरूपण मापन आप देख सकते हो। इसमें एक और एक उदाहरण आपके लिए यहाँ आप देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशन के साथ कंपैरिजन क्या हुआ है। यहाँ क्या है ना, कॉम्पोजिट पेल्विस जो ह्यूमन के बॉडी के एक अंग है, बोन को रिप्लेसमेंट बहुत सारे करते हैं, उसको टेस्ट और एनालिसिस कोरिलेशन करते हैं। इसमें आप देखते हो ये 3D DIC चाबी लेके एनालिसिस कैसे करते हैं और कंपैरिजन भी किया है इस चाबी का टेस्टिंग और एनालिसिस में। तो देखो ये इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं आप देख सो। ये और दूसरा और आपका उदाहरण है। आजकल आप देखते हो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड मिल के साथ से आपको एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बट इसमें क्या होता है कि ये विंड मिल ब्लेड्स है जो कंपोजिट से बना हुआ है। उसमें आप कह सकते हो कि इसका टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन भी है, तो टेस्टिंग और टेस्टिंग के साथ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो दोनों करके वो क्वालिफाई करते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे वो टेस्टिंग के हिसाब से, राइट साइड पे वो एनालिसिस कोरिलेशन जैसे कंपेयर करते हैं। तो कंटूर को कंपेयर किया उन्होंने। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एक ये और एक उदाहरण है आपके लिए देखने के लिए ये एप्लीकेशंस को। यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ क्या है ना, जब हम फैब्रिकेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये कंपोनेंट कैसे डिजाइन के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए तो और करेक्शन करने के लिए उसको भी ये उपयोग किया हुआ है, ये 3D स्टीरियो बेस्ड। और उसके हिसाब से वो जो आपका जो शेप है उसको भी देख सकते हो जिसका आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया है और जो आपने डिजाइन किया, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। इसके हिसाब से आपने कितना एक्यूरेसी आया है इसमें, वो भी आप इस उदाहरण में देख सकते हो। इस उदाहरण में आप देख सकते हो जैसे 800 डिग्री का टेस्टिंग करते हैं जहां आपको तनाव का मापन करते हैं। उसमें आप देख सकते हो कैसे नॉन कॉन्टैक्ट 3D DIC का एप्लीकेशन होता है। बहुत सारे आप देख सकते हो यहाँ से स्पेसिमेंट डाला हुआ है, उसके हिसाब से 100 डिग्री का सेल्सियस का तापमान डाल के ये कंपोनेंट को क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं जब कंपोनेंट ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों को कंपेयर किया हुआ है। जब टेम्परेचर ज़्यादा जाता है क्या हो जाता है, वो डिविएशन होता है, मगर ये DIC हिसाब से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। यही आपको देखना है इस उदाहरण में। आप देख सकते हो ये पूरा विमान है टेस्टिंग किया हुआ है, जैसे क्रैश टेस्ट बोलते हैं। जैसे आप थोड़े से हाइट से ज्यादा लेके उसको ड्रॉप करते हैं, वो बोला है नीचे डालते हैं। उसके ऊपर से ये फ्यूसलाज जहाँ पैसेंजर बैठते हैं उसका क्वालिफिकेशन, ये पूरा आप देख सकते हो छवि जो है उसका पूरा कंटूर आता है। इसके हिसाब से क्या तनाव होता है इसके ऊपर देख सकते हो। इसके हिसाब से वो डिजाइनर के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है जो उन्होंने डिजाइन किया है कैसे बिहेव करता है, यही उदाहरण है। तो उसके हिसाब से उनको रीडिजाइन या कुछ और करने के लिए उसको ये रिजल्ट्स उपयोग होता है। जैसे नासा लैंगली में किया हुआ है आप देख सकते हो इस उदाहरण से। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके हिसाब से। ये एक और उदाहरण है, ये पूरा फ्यूसलाज बोलते हैं जहाँ पैसेंजर बैठते हैं। आपने ये उदाहरण देख रहे हो। इसमें आप छोटा सा एयरक्राफ्ट देख रहे हो, हवाई जहाज आप देख रहे हो, उसका भी वही टेस्ट किया है। जैसे थोड़ा सा ऊपर हाइट लेके वहां से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने के बाद जो तनाव आता है उसको देख सकते हो। ये डिजाइन जो टेस्ट किया हुआ है वो डिजाइन और एनालिसिस सब के हिसाब से ये कैसे होते हैं, ये चेंज क्या क्या अंक इसमें बदल सकते हो और रीडिजाइन कर सकते हो। इसके हिसाब से वो डिज़ाइन डेटा और टेस्ट डेटा दोनों लोग के कंपेयर करके ऐसे ये क्रैश टेस्टिंग के साथ आप देख सकते हो। कैसे बिहेव होता है, बिहेवियर होता है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो। इसके छवि से आप पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कैसे इसका उपयोग किया हुआ है। और हम लोगों भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें आप देख सकते हो। एक ये और है उदाहरण से आप जारी है कि आप देख रहे हो कि ऐसे 3D एनालिसिस किया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ देख रहे हो आप जो इसका आगे क्या करते हैं रिजल्ट्स का। उसमें जो हमने मोनोक्रोमेटिक कैमरा है उसमें बोल रहे हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट कैमरा है, उसके हिसाब से आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, उसके डाटा के कलेक्ट करने के बाद उन्होंने बहुत कैमरा के पोजीशंस वो लिखा हुआ है नीचे आप देखते हो, उसके हिसाब से इम्पैक्ट होने के बाद कैसे वो रिजल्ट लिखे। इसके हिसाब से हम बहुत सारे उदाहरण देखे हुए हैं, इसका एप्लीकेशंस कहीं ज़्यादा है। सो इसके हिसाब से कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा है। ये नया टेक्नोलॉजी है तो है पूरे वर्ल्ड में ये यही इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। ये बहुत प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते के लिए टेस्ट और एनालिसिस कोरिलेशन के लिए। स्टूडेंट्स लोग बहुत यहाँ से आप तक अब बहुत सारे उदाहरण देखे हुए हैं और कैसे ये 2D और 3D DIC का इस्तेमाल किया है उसका उदाहरण आप देखा है। बोलते हैं कि क्या निष्कर्ष आपको बोलना चाहते हैं कि ये फुल 3D DIC जो भी है, जो वहाँ जहाँ भी छवि ले सकते हो, इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है और नॉन कॉन्टैक्ट है। और जहाँ छवि नहीं ले पाएंगे या ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जहाँ भी छवि ले सकते हो और ऑप्टिकल एक्सेस है तो इसका बहुत अच्छा तरीका है। दुनिया भर यही काम करते हैं, R&D करते हैं बहुत सारे। इसके हिसाब से फ्यूचर जो भी हैं ये NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे ये 3D DIC जहाँ आप देख सकते हो टेस्ट एनालिसिस कोरिलेशन, जहाँ भी बहुत सारे मटेरियल पे आप टेस्टिंग करते हो, हाई स्पीड कर सकते हो, डायनेमिक टेस्टिंग कर सकते हो, स्टैटिक टेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ हाई टेम्परेचर हो वहाँ भी टेस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके हिसाब से मैं ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। उसके लिए जो भी आप लोगों स्टूडेंट्स ने सुना है उनको सबके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। हमारे लेक्चर सुनने के बाद आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेड ऑफ़ द डिवीज़न डॉक्टर राजा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं।